नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज इफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ए डॉट बी देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी विल बी हमें बताना है ए प्लस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा ना nah, सिंपल सवाल है आपने को दिया है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री टाइम्स ए डॉट बी हाइट तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों के बीच में एंगल निकालना पड़ेगा इफ़ दैट इज द केस तो हम इसको ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा विल बी इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ए बी थीटा ये ए बी ए बी आपके मैग्नीट्यूड है ए और बी वैक्टर के सो ए और बी ए और बी विल गेट कैंसल इसको अगर हम थीटा को नीचे ले आएँ सो विल गेट टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री विच एम्प्लाइज थीटा विल बी इक्वल टू सिक्सटी डिग्री यानी कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी सिक्सटी डिग्री अगर थीटा आपका सिक्सटी डिग्री है तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस सिक्सटी का अंडर रूट कॉस सिक्सटी हमें पता है कॉस सिक्सटी की वैल्यू होती है वन बाई टू तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का होल अंडर रूट विल बी द राइट आंसर